नमस्कार दोस्तों, आज नया वीडियो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। ये वीडियो है रिलेटेड टू गॉड फादर। मैंने भी सोचा कि गॉड फार्मिंग को शुरू करना चाहिए। जब समर्पित कृषि कर ही रहे हैं तो गॉड फार्मिंग भी उसका बहुत बहुमूल्य आप घटक कह सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है इसके लिए और समय भी नहीं मिल पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जॉब में हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। तभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ अपने गांव का ही दो ब्लैक बंगाल, जो देहाती बकरी बोलते हैं, उसको मैं परचेस किया था। तो वो अभी प्रेग्नेंट है, उसी से मैं समझिए कि ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ, अगर आप सोच सकते हैं। तो ये देखिए, अभी ये दोनों गोट प्रेग्नेंट है। और ये तो अगर आपने पहले मेरा ये देखा होगा विजन हाउस, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में मैंने कबूतरों का घर जो बनाया था, नीचे में इन लोग का बकरी को अभी रखा है। बाद में इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करूंगा, लेकिन अभी 5-10 बकरी मैं इसी में रखने वाला हूं। और पहले इसमें मुर्गियां रहा करती थी, उसे मैंने हटा दिया। एक दो मुर्गी अभी है, वो भी हट जाएगी। सिर्फ यहाँ पर बकरियाँ, नीचे बकरी रहेंगे और ऊपर मतलब कबूतर। तो ये देखिए, अभी दोनों प्रेग्नेंट है। और ये देखिए, नाइट का ये व्यवस्था है कि 200 वाट का जो येलो बल्ब होता है वो मैंने जला रखा है। सब तरफ आप कवर देख सकते हैं, और वहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा सा गेट, जिसे मैं अभी खोलूँगा तो ये दोनों बाहर आएंगे और बाहर आराम से दिन भर बाहर रहेंगे। तो ये छोटा सा हाउस है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो ये बैकयार्ड गोट फार्म भी आप इसको बोल सकते हैं। अभी मैं इस ये दोनों को बाहर निकाल के दिखाता हूँ। सुबह का टाइम है, अभी मैं इन्हें अनाज देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी मक्का का दाना रखा हुआ है, और ये चारों तरफ इस तरह का मैंने घेराव कर दिया है कि ये बाहर न निकले। और हर तरफ इधर फसल आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सब्जी की खेती होती है। और ये सब मेरे खेत आप देख सकते हैं, और यहाँ पर गोभी की पौधा आप देख रहे हैं। इसी तरह से ये बाहर निकलेंगे, इसी में दिन भर घूमेंगे। अभी आप इधर भी देख सकते हैं कि गोभी के पौधे लगे हुए हैं दूर दूर तक। और ये मेरा जो छोटा सा पौंड है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, अभी मैं इसे बाहर निकालने वाला हूँ और ये आसानी से निकलेंगे। और इसमें से निकल के आसानी से दिन भर यहाँ पर घूमेंगे। ये देखिए, ये एक बकरी आ चुकी है और ये अभी दो ही बकरी है, तो ये निकलेगी अभी। देख सकते हैं दोस्तों, दोनों बकरी निकल चुकी है और ये भी ये लोग बैठ के अभी अनाज खाएंगे। और इसके बाद मैं इन्हें जो स्टॉल फीड पर जो देने के लिए भूसा वगैरह जो भी है वो बाद में मैं ऐड करूँगा। और फिर इसे बंद कर देना, ये दिन भर ये बाहर रहेंगे। और उसके बाद 2-3 टाइम इन्हें यहीं पर खाना दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से मैं अभी मैंने स्टार्ट किया है इसे। तो इस धीरे धीरे उधर आप जो खेत देख रहे हैं, उधर ही मैं ये फार्म बनाने वाला हूँ, गोट फार्म। लेकिन पहले यही दोनों के ऊपर मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। अभी 10 दिन के अंदर ये दोनों बच्चे भी देने वाले हैं। एक बकरी अभी 10 दिन के अंदर बच्चे देगी और एक में अभी टाइम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कुछ मदद मिली होगी कि कैसा शुरू में शेड बनाएं, ज़्यादा खर्च नहीं करें। ये जो मेरा पहले का शेड था पिजन हाउस, उसी में मैंने इन्हें बना के रखा है। ये जो आप पिजन हाउस देख रहे हैं, इसी में मैंने इन्हें रखा है। और जब एक्सपीरियंस ले लूँगा, लगा कि हाँ कर सकता हूँ, तब मैं परचेस करके गोट को लाऊँगा। और ये जो एरिया है गोभी का, उधर मैं और इन लोग का जो घर है वो बनाने वाला हूँ बड़ा सा। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं देखता हूँ कि कैसे
बच्चे अगर होते हैं तो उन्हें कैसे सेव कर पाऊँ, कैसे बचा पाऊँ, कैसे डेवलप कर पाऊँ, उसके बाद मैं इसमें बढ़िया से लगूँगा। अभी फ़िलहाल दोनों के ऊपर ही टेस्टिंग चल रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके देन, बाय।